आप लोगों ने मेरा एक लेक्चर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी से अपनी सीरीज स्टार्ट की थी और हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। एज यू कैन सी वी स्टार्टेड आर लास्ट लेक्चर फ्रॉम हियर जिसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट स्टार्ट किया था और प्रेसिडेंट के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए लोकसभा को हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हम अपने इस पार्लियामेंट का जो लेक्चर है उसको आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब राज्यसभा इज ऑल्सो बेसिकली पार्ट ऑफ लोकसभा। जिस तरीके से लोकसभा जो है वो आर्टिकल नंबर 81 के अंडर आती है, उसी तरीके से जो आपका राज्यसभा है वो आर्टिकल नंबर 80 के अंडर आता है, जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। सी, किसी भी बिल को पास करने के लिए लोकसभा जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट राज्यसभा भी होती है जब हम ऑर्डिनरी बिल्स की बात करते हैं। हाँ, मनी बिल में राज्यसभा को थोड़ा सा कम पावर दिया जाता है, लेकिन इवन देन हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में आकर बैठते हैं और लोकसभा के सामने अपने पूरे पॉइंट्स रखते हैं, जिससे कि लोकसभा को और गवर्नमेंट को और लीडर्स को बहुत ज्यादा सजेशंस के तौर पर आसानी हो जाती है किसी भी बिल को फॉर्म करने में या किसी भी पॉलिसी को बनाने में। जिस तरीके से लोकसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह से होता है, सेम गोज विद राज्यसभा, लेकिन इसमें काफी कुछ डिफरेंस आपको लोकसभा की राज्यसभा की सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके सेंसस में और उनके इलेक्ट होने के तरीके में देखते हैं। अब इस राज्यसभा का पूरा जो प्रोसेस है हम उसे लोकसभा के प्रोसेस से कंपेयर करके अगर पढ़ते हैं सो इट गेट्स अ बिट इजी फॉर अस। लेट्स सी हाउ वी डू इट। राज्यसभा जो होता है इसमें टोटल मेंबर एट प्रेजेंट आपको 245 देखने को मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं। जिस तरीके से लोकसभा में हमने प्रेजेंट मेंबर 543 देखे थे, उसी तरीके से राज्यसभा में 245 है। लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर 552 थे, लेकिन राज्यसभा में हमारे 250 हैं। अब जिस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर राज्यसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, हम लोग लोकसभा की सीट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। अगेन इट गोज ऑन द सेम बेसिस। जिस तरह से हम लोकसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग करते हैं, उसी तरीके से हम राज्यसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, लेकिन उसमें हम 1971 का सेंसस इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम 2001 का जो सेंसस है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये सेंसस की कहानी कैसे पहुंची हम उसे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन पहले हम इन 245 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन राज्यसभा की सीट्स का किस तरह से होता है। नाउ इफ यू सी इन 245 सीट्स में से जो 12 सीट्स होती हैं या 12 मेंबर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। प्रेसिडेंट जो होता है इन 12 मेंबर्स को जो नॉमिनेट करता है वो टोटल 4 कैटेगरी से कर सकता है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। फॉर एग्जाम्पल मेधा पाटकर वॉज वन ऑफ द पर्सन जो राज्यसभा में आई थी, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो वो सोशल सर्विसेज के थ्रू आई थी। जावेद अख्तर हैज बीन अ लिरिसिस्ट, तो वो लिटरेचर के थ्रू आए थे। जया बच्चन हैज बीन एन एक्टर, तो वो आर्ट के थ्रू आई थी। कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है दैट सचिन तेंदुलकर वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो स्पोर्ट्स भी एक कैटेगरी हो जाती है। नहीं, स्पोर्ट्स एक कैटेगरी नहीं है, उन्हें आर्ट या सोशल सर्विसेज की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर के लिए अलग से स्पोर्ट्स की कैटेगरी नहीं बनाई गई थी, दिस वाज अ बिग कंफ्यूजन, उसे प्लीज दूर कर लीजिए। सो इन 245 सीट्स में से जो 12 मेंबर्स हैं वो तो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट हो ही जाते हैं। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो यूनियन टेरिटरी से 8 मेंबर आते हैं और जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वहां से 225 मेंबर्स आते हैं। अब ये 8 और 225 मेंबर्स आते कैसे, उसके लिए हमें थोड़ा इसका इलेक्शन प्रोसेस देखना पड़ेगा। राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो लोकसभा के इलेक्शन प्रोसेस से बहुत ज्यादा अलग होता है। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसे हम पब्लिक इलेक्शन या जनरल इलेक्शन कहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं इंडिया के, जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो लोकसभा इलेक्शंस में वोट डालती है। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शंस में इंडियन सिटीजन्स वोट नहीं डालते हैं। कैसे? स्टेट से 225 मेंबर्स आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली का एग्जाम्पल लेते हैं। जो मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से राज्यसभा में टोटल 11 मेंबर्स आते हैं। दैट मींस मध्य प्रदेश को राज्यसभा में 11 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। इन 11 मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जिन्हें हम विधायक या एमएलए कहते हैं, वो इलेक्शन करते हैं। दिस मींस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, तेलंगाना, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सारे के सारे स्टेट से, सभी स्टेट से जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है या फिर वो राज्यसभा के मेंबर्स कौन होंगे, ये उस पर्टिकुलर स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है
वो डिसाइड करती है, ना कि नॉर्मल सिटीजन इंडियन सिटीजन डिसाइड करते हैं. वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस. इसी तरह से यूनियन टेरिटरी से भी 8 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट होकर आते हैं. अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी तो सर है हमारे पास बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन यहां पर नाम सिर्फ दिया है 3 का, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुदुचेरी. ऐसा क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी ये 3 ही ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं. इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादरा नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार या लद्दाख, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं. तो अगर किसी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं तो वहां पे राज्यसभा का इलेक्शन हो ही नहीं सकता. सो सिर्फ 3 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यूटीज की और वहीं से हम लोग अपने राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. जम्मू कश्मीर से 4 मेंबर्स आते हैं तो जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी वो इन 4 मेंबर्स को डिसाइड करेगी. दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली इन 3 मेंबर्स को और पुदुचेरी की जो असेंबली है वो डिसाइड करेगी कौन इकलौता पर्सन राज्यसभा में जाके पुदुचेरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा. राइट, अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा का जो इलेक्शन है उसमें हम लोग बेसिकली 2001 का सेंसस यूज करते हैं. अब इस 2001 के सेंसस को समझने के लिए हमें 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और देखने पड़ेंगे. जिस तरीके से 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 लोकसभा के लिए यूज किया गया था, कि उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि 1971 के सेंसस को यूज किया जाएगा लोकसभा की सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसी तरीके से सेम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में जो हुआ था उससे ये डिसाइड किया गया था कि राज्यसभा की जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग होगा. और इसके ठीक 3 साल के बाद, 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, 2 साल के बाद 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में यह डिसाइड किया गया कि जो राज्यसभा की सीट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग किया जाएगा. यानी कि आज की डेट में जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2021 में, तो 2021 तक भी हम ये देखते हैं दैट 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही राज्यसभा के जो सीट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. 2001 की पॉपुलेशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं. राइट, यहाँ पर एक और चीज देखने के लायक है दैट राज्यसभा जो है, जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था, वो अपर हाउस है. उसे हम अपर हाउस कहते हैं. क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो है नेवर गेट्स डिसॉल्व. राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है. मतलब एक बार ये स्टार्ट हुई थी 1951-52 में, उसके बाद से ये कंटिन्यूसली चली आ रही है. जिस तरीके से लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है, राज्यसभा का टेन्योर नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर जरूर होता है. सो इफ समवन आस्क्स यू कि राज्यसभा का टेन्योर कितना है, तो राज्यसभा का टेन्योर नहीं है, इट्स 0 या फिर इट्स इनफिनिटिव, वो चलता ही रहेगा. लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना है, सो देन यू हैव टू से दैट राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर 6 साल का होता है. प्लस एक और चीज आपको इसमें यह देखनी है कि हर दूसरे साल, हर सेकेंड ईयर राज्यसभा से जो 1/3 मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिटायर होते रहते हैं. दे गेट रिटायर्ड ऑटोमेटिकली एवरी सेकेंड ईयर. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. अब ये एवरी सेकेंड ईयर कैसे रिटायर होते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई 3 मेंबर है, ए, बी एंड सी. ए जो है मध्य प्रदेश से आया हुआ है, बी जो है हिमाचल प्रदेश से आया हुआ है, और सी को हम लोग देख लेते हैं कि कोई और स्टेट से आया हुआ है, जैसे केरला से आया हुआ है. राइट, तो मान लीजिए मध्य प्रदेश का जो मेंबर है उसका फर्स्ट डे है राज्यसभा में, हिमाचल प्रदेश का जो मेंबर है उसे 2 साल हो चुके हैं राज्यसभा में, और केरला का जो मेंबर है उसे 4 साल हो चुके हैं. अब यहां पर 2 साल तक काम किया गया, 2 साल बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का मेंबर है उसके 2 साल हो गए, क्योंकि उसका फर्स्ट डे था तो 2 साल बाद वो 2 साल हो गए. यहां पर हिमाचल प्रदेश के मेंबर को 2 साल हो चुके थे तो उसमें 2 साल ऐड कर दिए गए, तो हिमाचल प्रदेश के मेंबर को 4 साल हो गए, और केरला का जो 4 साल वाला पर्सन था उसमें 2 साल ऐड कर दिया गया तो ये 6 साल हो गए.
यानी कि ये जो केरला का पर्सन है, केरला से आया हुआ राज्यसभा मेंबर है, इसका टेन्योर यहाँ पर खत्म हो गया। अब इस मेंबर, ये मेंबर ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा एंड इसकी जगह जो नया मेंबर आएगा वो केरला से ही होगा। जरूरी नहीं है कि ये वही मेंबर हो सकता है कि दोबारा वही मेंबर आ जाए या फिर कोई और मेंबर भी आ सकता है। सो जिस स्टेट से जो मेंबर रिटायर होता है उस स्टेट से वही मेंबर आता है। मान लीजिए अब केरला से कोई नया मेंबर आया है, उसका राज्यसभा में फर्स्ट डे है, अब फिर से 2 साल का कामकाज किया गया राज्यसभा में, तो अब इसका तो फर्स्ट डे है, लेकिन ये जो एमपी वाला पर्सन है इसको हो गए 4 साल, हिमाचल वाले को हो गए 6 साल और केरला वाले को हो गए 2 साल। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का मेंबर है उसके रिटायर होने की बारी आ चुकी है और जो हिमाचल प्रदेश का मेंबर है उसको रिप्लेस करने के लिए हिमाचल से ही राज्यसभा का मेंबर आएगा। सो एज यू कैन सी कि हर दूसरे साल में 3 में से 1 मेंबर ऑटोमेटिकली रिटायर होता जा रहा है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट को प्रूव करता है दैट एवरी सेकेंड ईयर जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं 1/3 ऑटोमेटिकली रिटायर होते जाते हैं। इसमें एक चीज आपको नोटिस करने वाली बात यह है दैट 1951-52 में जब राज्यसभा पहली बार ऑन ग्राउंड लेवल काम करने आई थी तो जितने भी मेंबर्स राज्यसभा में एंट्री लिए थे पहली बार उन सारों का टेन्योर तो 6 साल होना चाहिए था। तो पहली बार जब कोई घुसा है तो सबको सबके सबके 2 साल हो गए ना, तो वो कौन रिटायर होगा, ये प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉटरी सिस्टम खेला गया था। लॉटरी सिस्टम में क्या किया गया कि एक बॉक्स रखा गया और उस बॉक्स में 3 चिट्स बनाई गई थी, 2 साल की 4 साल की और 6 साल की। तो जो मेंबर 2 साल की चिट उठाएगा उसका पहला टेन्योर 2 साल का रहेगा, दूसरे का 4 साल का और तीसरे का 6 साल का। तो फॉर एग्जाम्पल अगेन हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं मध्य प्रदेश का, हिमाचल का एंड केरला का। मान लीजिए मध्य प्रदेश को 2 साल का टेन्योर मिला, हिमाचल को 4 साल का टेन्योर मिला और केरला को 6 साल का टेन्योर मिला। तो जब इनका 2-2 साल काम करके हो गया तो मध्य प्रदेश वाले का जो टेन्योर है वो दूसरे साल में ही कंप्लीट हो गया क्योंकि उसका तो टेन्योर ही कितना था, 2 साल का था। नाउ मध्य प्रदेश राज्यसभा मेंबर विल बी रिटायर्ड एंड मध्य प्रदेश से जो आएगा अब उसका टेन्योर नया कितना रहेगा, 6 साल का रहेगा। देन उसके 2 साल बाद जो हिमाचल प्रदेश का मेंबर है वो अगेन 4 साल में रिटायर हो जाएगा एंड हिमाचल प्रदेश के मेंबर को जो कवर करने आएगा, रिप्लेस करने आएगा, उसका मेंबर, उसका जो टेन्योर है वो 6 साल का रहेगा। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये कंप्लीटली चलती रही। ये राज्यसभा का आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगर आप इस तरीके के पॉलिटी और दूसरे सब्जेक्ट्स के नोटिफिकेशन चाहते हैं सो यू हैव टू सब्सक्राइब चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस एंड अगर आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन चाहिए प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर फॉर ऑफलाइन क्लासेस यू जस्ट हैव टू सर्च चहल एकेडमी और यू कैन गो टू आवर वेबसाइट। 24 ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांचेस में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।